हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रीन एग्रीकल्चर। इस वीडियो में हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में बताएंगे। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इज़ एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सिस्टम डेट इन्वॉल्व द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल कंपोनेंट सच एज क्रॉप, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री एंड फिश एंड नॉन एग्रीकल्चरल कंपोनेंट सच एज एग्रोफॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर एंड बी कीपिंग इन ए सिंगल फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें एग्रीकल्चर के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिश, क्रॉप, एग्रोफॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, बी कीपिंग को एक साथ शामिल किया गया है। मीन्स इन सबको एक साथ मिला के जो फार्मिंग की जाती है उसे बोला जाता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट देयर इज नो बेस्ट एंड वेस्ट इज ओनली ए मिसप्लेस्ड रिसोर्स, विच मीन वेस्ट फ्रॉम द कंपोनेंट बिकम एन इनपुट फॉर अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम खेती की एक आधुनिक तकनीक है। इस तकनीक में खेती के साथ साथ बागवानी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाता है। इससे किसानों को आमदनी बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है। आसान भाषा में कहें तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में खेती के सभी कंपोनेंट को शामिल किया जाता है जिससे किसानों को साल भर आमदनी प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है एडवांटेज। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के जो मेन एडवांटेज हैं वो हैं इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, डिवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिड्यूस यूज ऑफ एक्सटर्नल इनपुट्स, इम्प्रूव्ड फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, इम्प्रूव्ड लेवलीहुड्स। नेक्स्ट आता है प्राइमरी गोल ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आर, जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के प्राइमरी गोल क्या है। इस फर्स्ट है मैक्सिमम यील्ड, सेकंड है रिजुवेशन ऑफ सिस्टम प्रोडक्टिविटी एंड अचीव एग्रो इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट है अवॉइड बिल्ड अप ऑफ इंसेक्ट पेस्ट डिजीज एंड वीट पॉपुलेशन थ्रू नेचुरल क्रॉपिंग सिस्टम एंड कीप देम एट लो लेवल ऑफ इंटेंसिटी, रिड्यूसिंग यूज ऑफ केमिकल। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मेन गोल है जो आपकी जो यील्ड है यील्ड को बढ़ाना और कम से कम केमिकल का उपयोग करना और अवॉइड इंसेक्ट पेस्ट डिजीज एंड वीट पॉपुलेशन, मीन्स इंसेक्ट पेस्ट फ्री क्रॉप का कल्टीवेशन करना। नेक्स्ट है डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इसमें आता है फर्स्ट है फील्ड क्रॉप, जो एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप प्रोडक्शन, वेजिटेबल्स, फ्रूट कल्टीवेशन, पोल्ट्री फार्मिंग, लाइव स्टॉक इंटीग्रेशन, एक्वाकल्चर, एग्रोफॉरेस्ट्री, बी कीपिंग, मशरूम कल्टीवेशन, बायोगैस प्लांट, डकरी, इन सबको मिला के इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम किया जाता है। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वाटरशेड, फार्म पाउंड, बायोपेस्टिसाइड, बायोफर्टिलाइजर्स, प्लांट प्रोडक्ट एज पेस्टिसाइड्स, बायोगैस, सोलर एनर्जी, कंपोस्ट मेकिंग, ग्रीन मैन्यूरिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल, ये कुछ मॉडल हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के, जिसमें फर्स्ट है एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक का एक साथ फार्मिंग करना, नेक्स्ट एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर, फिश कल्चर, पोल्ट्री, नेक्स्ट है पिग कम फिश कल्चर, नेक्स्ट एग्रीकल्चर और सिल्वी पास्चर, नेक्स्ट है सेरीकल्चर और फिश कल्चर, इसके बाद आता है एग्रीकल्चर प्लस फिश प्रोडक्शन और मशरूम कल्टीवेशन, नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर डेयरी पोल्ट्री, नेक्स्ट है पोल्ट्री प्लस फिश कल्चर, फिश कल्चर प्लस सेरीकल्चर। ये मॉडल हैं और यहाँ मॉडल दिखाया गया है
जिसमें फर्स्ट है इंटीग्रेटेड पोल्ट्री फिश कल्चर, जिसमें मुर्गी पालन के साथ साथ फिश कल्चर कैसे किया जाता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड गोट कम फिश फार्मिंग, बकरी पालन के साथ साथ फिश फार्मिंग किस तरह से की जाती है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड राइस कम फिश फार्मिंग, राइस के प्रोडक्शन के साथ साथ फिश का फार्मिंग किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग कम हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के साथ साथ फिश फार्मिंग किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट मॉडल है फिश फार्मिंग कम सेरिकल्चर, मीन्स फिश फार्मिंग के साथ साथ सेरिकल्चर किस तरह से किया जाता है। इसमें क्या होता है, पॉन्ड के चारों तरफ मलबेरी के प्लांट्स लगाए जाते हैं और उन प्लांट्स के ऊपर सेरिकल्चर किया जाता है और पॉन्ड में फिश फार्मिंग। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड ऑफ पिग डक फिश वेजिटेबल सिस्टम, नेक्स्ट इंटीग्रेटेड पिग एंड फिश फार्मिंग, पिग और फिश फार्मिंग को एक एक साथ किस तरह से किया जाता है इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर पोल्ट्री फिश एजोला मशरूम, इन सबको एक साथ इंटीग्रेटेड करके किस तरह से फार्मिंग की जाती है। थैंक यू।